ऐसा माना जाता है कि खेलों से वास्ता रखने वाले खिलाड़ी अक्सर शैक्षणिक योग्यता में कम होते हैं। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी सिर्फ हाई स्कूल तक ही पढ़े हैं। वीरेंद्र सहवाग, हरभजन सिंह, मोहम्मद कैफ का भी यही हाल है। लेकिन सारे भारतीय क्रिकेटर ऐसे नहीं है। देश में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी हुए जिन्होंने मैदान के अलावा पढ़ाई लिखाई में भी सफलता के झंडे गाड़े हैं। आइए जानते हैं ऐसे ही खिलाड़ियों के बारे में। क्रिकेट जगत की दीवार यानी राहुल द्रविड़ का जब टीम इंडिया में सिलेक्शन हुआ तब वो एमबीए की पढ़ाई कर रहे थे। इससे पहले द्रविड़ की स्कूलिंग बेंगलुरु के जाने माने सेंट जोसेफ स्कूल से हुई। वहीं के सेंट जोसेफ कॉलेज से द्रविड़ ने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की। पूर्व भारतीय कप्तान और टीम इंडिया की रीढ़ रहे फिरकी गेंदबाज अनिल कुंबले एक मैकेनिकल इंजीनियर है। पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज और मौजूदा मैच रेफरी जवागल श्रीनाथ इंस्ट्रूमेंटल टेक्नोलॉजी में इंजीनियर है। उन्होंने वनडे में 300 से ज्यादा विकेट लिए हैं। रहाणे जिस तरह हर मोर्चे पर टीम के लिए बेजोड़ साबित हुए हैं, ठीक वैसे ही उन्होंने पढ़ाई लिखाई में भी कामयाबी हासिल की। महाराष्ट्र से आने वाले अजिंक्य रहाणे एक नामी यूनिवर्सिटी से कॉमर्स में ग्रेजुएट है। अपनी स्पिन गेंदबाजी से दुनिया के बड़े बड़े बल्लेबाजों को नचाने वाले आर अश्विन ने चेन्नई के SSN कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है। अश्विन क्रिकेटर बनने से पहले कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस जैसी बड़ी आईटी कंपनी में अपनी सेवाएं देते थे। देश के पढ़े लिखे क्रिकेटर्स में एक और दक्षिण भारतीय खिलाड़ी मुरली विजय का नाम शामिल है। टीम इंडिया के लिए साल 2006 में डेब्यू करने वाले विजय देश की नामी यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में स्नातक है। अपनी धुआंधार बल्लेबाजी के लिए मशहूर रहे कृष्णाचारी श्रीकांत उस दौर में फर्राटेदार अंग्रेजी बोला करते थे जब टीम इंडिया में ऐसा माहौल नहीं था। संन्यास लेने के बाद चयन समिति में भी अहम पद संभालने वाले श्रीकांत ने चेन्नई की अन्ना यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। वीडियो डेस्क अमर उजाला.com।